कब मिलेगा इंतजार का फल? जब नंदिनी देगी आपके सवालों का हल। उलाला। अरे मेरी नंदिनी कैसी है? एकदम फिट है बॉस। उलाला। अरे वाह, आज तो तुमने कमाल कर दिया। वो बॉस, वो कल थोड़ा ज्यादा खा लिया था ना, इसलिए गड़बड़ हो गई। अरे नॉटी। अरे मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं तो तुम्हारी क्वेरीज के आंसर की बात कर रहा हूँ। वाह, क्या कमाल का लिखा है तुमने, तुम तो छा गई। उलाला। उलाला। है, बिल्कुल है। अरे इतने कमेंट्स, इतने मेल, इतने रिव्यूज आ रहे हैं, मजा ही आ गया। गुड, वेरी गुड, ऐसे ही काम करती रहा करो तुम। तुम्हारे हर रिव्यू पे 5 रुपए तनख्वाह बढ़ा दूंगा मैं। थैंक यू बॉस, बाय बाय। ओए, अरे वाह, नंदिनी बनकर जो एडवाइस मैं दे रहा हूँ वो इतनी फेमस हो रही है। आखिर मैं लिखता भी तो इतना तगड़ा हूँ। 5 रुपए तनख्वाह बढ़ने वाली है नंदू, हमेशा अपने दिल की सुनना। यस, अब आएगा मजा। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। पप्पू, अबे पप्पू कहाँ है यार? पप्पू चांदनी। क्या हुआ नंदू, गला क्यों फाड़ रहे हो? अरे चंदू, इसे गला नहीं, इसे मैगजीन कहते हैं। और मैं इसे फाड़ नहीं रहा हूँ, अपने आर्टिकल को निकाल रहा हूँ जो मैंने नंदिनी बनकर लिखे हैं। अरे मैं चीखने की बात कर रही हूँ। नहीं नहीं चंदू, छींकना मत, छींकना बहुत बुरी बात होती है। अबे पप्पू यार कहाँ है, जल्दी आ जा। अरे पप्पू नहीं है घर में। ओ अच्छा, वैसे आज इतने खुश क्यों हो और ये आर्टिकल काट के क्यों निकाल रहे हो? अरे चंदू, खुश होने वाली बात तो है, इस आर्टिकल से मुझे बहुत शोहरत मिल रही है, लोग मेरे बहुत बड़े फैन हो रहे हैं, यहाँ तक कि बॉस ने मुझे फोन करके मेरी तारीफ भी की। तारीफ? कलयुग, घोर कलयुग। चंदू तुम फिर से मुझे ताना मार रही हो। ऐसे ही कह रही थी। वैसे ऐसा क्या लिखा है इसमें नंदिनी ने जो इतनी तारीफें मिल रही है? सुनो, एक आदमी बहुत कंफ्यूज है अपनी बीवी और अपने माँ के बीच, क्योंकि दोनों को सेम गोल्ड चेन पसंद आई है और दोनों उसे अकेले में धमका रही है कि उसे वो गोल्ड चेन ला कर दे। और उसने मुझसे कहा कि आप भी बताओ कि मैं क्या करूँ। तो फिर क्या कहा तुमने? अरे मैंने नहीं, नंदिनी ने कहा। हाँ हाँ वही, नंदिनी ने क्या कहा? आपके इंतजार का मिलेगा फल, क्योंकि नंदिनी करेगी आपकी समस्या को हल। उलाला, आपको सबसे पहले करना होगा विचार कि कौन करता है सबसे ज्यादा आपको प्यार और कौन करता है सबसे कम प्रहार, उसी के लिए लीजिए हार। उलाला। वाह 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 नंदू, क्या लिखा है तूने यार? मैं बताती हूँ क्या लिखा है, बहुत ही घटिया और फिल्मी लिखा है। बिल्कुल नहीं, अच्छा लिखा है नंदू, मैं तो कहती हूँ बहुत ज्यादा ही अच्छा लिखा है। थैंक यू मम्मी जी। मम्मी जी अगर तेरे साथ भी ऐसा हो तो तू भी तो सबसे ज्यादा अच्छी चीज अपनी माँ को ला कर देगा ना, क्योंकि तू मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है ना। हाँ हाँ मम्मी जी, उसमें कोई शक थोड़ी ना है। जीता रहे, खुश रहे पुत्र। नंदू जरा अंदर तो आना। हाँ हाँ क्यों नहीं। मम्मी मम्मी। क्या हुआ चंदू? मेरा दिमाग खराब हुआ है। अरे चंदू वो तो बहुत पुरानी बात है, नई बात क्या हुई? इसका मतलब मेरा दिमाग सालों से खराब है? देखो तुम कह रही हो तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। रहने दो, तुम मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करते, अगर करते ना तो तुम मम्मी जी को ये नहीं कहते। कोई भी अच्छी चीज लाऊंगा मम्मी जी, मैं आपको पहले दूंगा। वो तो मैंने चंदू ऐसे कह दिया था यार। मैं सब समझ गई, तुम्हारी नजरों में मेरी यही कीमत है ना, मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती हूँ। अरे नहीं, तुम मुझे बहुत अच्छी
अच्छी लगती हो, खास करके जब तुम मुझे पॉकेट मनी देती हो। क्या? नहीं नहीं, जब तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुम मेरी फेवरेट हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सच कह रहे हो? हाँ चंदू, तुम्हारे बॉस की कसम। इतने नजदीकी रिश्तेदार की कसम खाने की क्या जरूरत थी? बॉस की मम्मी जी की कसम खाली होती। अच्छा ठीक है, बॉस की मम्मी जी की कसम। भगवान, क्या करूँ मैं इस आदमी का, कुछ भी नहीं समझता। नंदू देखो, एक चीज ना साफ साफ बताओ, तुम कोई भी अच्छी चीज लाओगे ना तो वो सबसे पहले मम्मी जी को दोगे या मुझको? मम्मी जी को। You got it. अब नहीं नहीं, तुम्हें दूंगा सबसे पहले। भले और मम्मी दे। मैं जानती थी नंदू, तुम मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हो, इसलिए तुम पहले के मुझे ला कर दोगे। वाह जी वाह, इतनी जल्दी पलटी मार गया। मम्मी जी आप? हाँ मैं, शर्म आनी चाहिए तुझे अपनी माँ से वादा करके इतनी जल्दी पलटी मारते हुए। पर मम्मी जी मैं तो एकदम सीधा खड़ा हूँ, मैंने क्या पलटी मारी? चुप कर, सब सुन लिया है मैंने। तुमने मुझसे पहले इस चंदू को गिफ्ट देने का वादा किया है। नहीं नहीं मम्मी जी, वो तो मैंने बस ऐसे ही कह दिया था। एक मिनट मम्मी जी, इसका मतलब आप बाहर कान लगा के सुन रही थी? नहीं 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 नहीं, मैं तो सामने से गुजर रही थी तो मैंने सुन लिया। अच्छे जी, पर मेन मुद्दा ये है नंदू कि तूने मुझे धोखा दिया है। अभी तक तो मैंने किसी को कुछ दिया भी नहीं, तो भी इतना सुनना पड़ रहा है। कोई बात नहीं पुत्र, मैं जानती हूँ एक आदमी के लिए उसकी औरत की कीमत ज्यादा होती है एक माँ से, यही दुनिया का दस्तूर है। आखिर एक बूढ़ी लाचार माँ की कीमत ही क्या है, एक माँ होती कौन है? जा रही हूँ मैं। नहीं नहीं मम्मी जी मत जाइए, आप जो बोलेंगी ना वो मैं करूंगा, आप मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। तो क्या मैं ये समझूं कि तू चंदू से पहले मुझे गिफ्ट ला कर देगा? हाँ हाँ मम्मी जी। पुत्र तो मुझे ना सोने की चेन ला दे। सोने की चेन? नहीं लाएगा? नहीं नहीं दूंगा ना, लाके दूंगा मम्मी जी, पक्का दूंगा। जीता रे जवानियां, मान खुश रे। चंदू चंदू मेरी बात तो सुनो। जो अभी अभी सुना ना वो इनफ था, अब तुम मेरी बात सुनो। अगर तुम सबसे पहले मुझे गोल्ड चेन लाकर नहीं ना माना, ना माना, ना माना, ना माना। तो मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। अरे चंदू क्या यार, हमेशा इन दोनों की उखली में मेरा ही सर फंसता है। अरे भाई तुम्हारा खा के ना सर मोटा हो गया है, तुम उखली में सर देते क्यों यार? देख पप्पू मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, और पका मत। अरे भाई तुम्हारे थोबड़े पे तो 12 बजे हुए हैं, क्या हुआ? सुन ये तो गंभीर समस्या है भाई। पर गंभीर समस्या कैसे हो सकता है, वो तो इस बार इंडियन क्रिकेट टीम में भी नहीं था जो इंग्लैंड मैच हार गई। अबे मैं इंडियन टीम की समस्या की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी बीवी और मम्मी जी के बीच की समस्या की बात कर रहा हूँ। इन दोनों के बीच में फंस के तुम्हारा सैंडविच बनता जा रहा है। अबे जले पे नमक छिड़कना बंद करो, उपाय बता। हाँ भाई सोचता हूँ। पप्पू एक काम कर, तू ऐसे ही टहलते रहे तब तक मैं एक झपकी मार के आता हूँ। आ गया भाई आ गया। अबे मैं तो अभी तक झपकी मारने ही नहीं गया तो वापस कैसे आ गया? अबे मंद बुद्धि मुझे आइडिया आ गया। जल्दी बोल क्या आइडिया है भाई। तुम्हें याद है तुमने अपनी उस सड़ी सी मैगजीन में किसी आदमी को गोल्ड चेन के बारे में एडवाइस दी थी? उसी को बुलाओ और उससे पूछो कि उसने कैसे प्रॉब्लम सॉल्व की अपनी बीवी और सास के बीच की। लेकिन उससे क्या होगा? अबे मंद बुद्धि, उससे तुम्हारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और तुम भाभी और मम्मी जी के बीच में सैंडविच बनने से बच जाओगे। गुड आइडिया पप्पू, मैं अभी बॉस को फोन करके उस आदमी का नंबर लेता हूँ और उससे बात करता हूँ।
एक्सक्यूज मी जी, हुलिये से तो फोन पर जो बताया था उस पर से लग रहा है कि आप ही नंदू हैं। हाँ, मैं ही नंदू। बचपन से आपको कोई शक है क्या? नहीं नहीं। अच्छा तो ये बताइए, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैंने आपको यहाँ पर कब बुलाया? आप वही भाई साहब है ना जिसे नंदिनी ने रिप्लाई किया था जिसकी क्वेरी पर? वही हूँ। अच्छा तो भाई साहब ये बताइए ना कि आपने वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की? मतलब क्या आपने अपनी दिल की बात सुनी, क्या आपने बीवी को गिफ्ट दिया या माँ को गिफ्ट दिया? सबसे पहले तो उस नंदिनी का नाम मत लीजिए मेरे साथ। पर क्यों? अरे एक नंबर की फ्रॉड औरत है वो। ऐसा क्या हो गया भाई साहब? नहीं हुआ साहब, पूछिए। अरे मैंने एक तो अपने दिल की बात मानकर उसका सुझाव सुना, बस चले ना तो उसको गला दबा दूं मैं। क्यों भाई साहब, उसका सुझाव काम नहीं आया आपको? किया, काम किया ना, पर उल्टा। अरे मैंने उसकी बात सुनकर अपने दिल की सुनी और अपनी मम्मी जी के लिए सोने की चेन खरीद ला। ये बात मेरी बीवी को पता चलते उसने मेरा घर में चैन से सोना दुभर कर दिया। अब साहब अपनी जान बचाने के लिए मैं उसके लिए भी एक सोने की चेन खरीद ला। ये सब करते करते इतना खर्चा हो गया कि अब न जाने कब मैं चैन की नींद सो पाऊंगा। ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, सौ बात की एक बात, ये सास बहू के झगड़े में दिल विल की बात काम नहीं करती। यहाँ पर दिल की सुनी और बड़ा सा बिल फटेगा, समझ लो। हाँ। अरे भाई साहब, खामोशियाँ बेचैनियाँ नादानियाँ। वीर प्रताप जी, ये कैसी चुनौती है जब आपका एक बर्तन सिर्फ 5 कद पानी ले सकता है, दूसरा बर्तन सिर्फ 2 कद। अबे पप्पू फोन तो उठा यार। भाई का फोन। हाँ भाई बोलो। अबे पप्पू सब गड़बड़ हो गया यार। अरे भाई तुम खाना देखते आदम खोरों की तरह टूट पड़ते हो ना, गड़बड़ तो होना ही है। अबे गधे, मेरा पेट गड़बड़ नहीं हुआ, हमारा प्लान गड़बड़ हो गया। उस आदमी से मिलकर उपाय लेने वाला प्लान, वो तो उल्टा नंदिनी को ढूंढ रहा है उसका कत्ल करने के लिए। हाँ तो भाई तुम बोल देते ना कि तुम ही नंदिनी हो। अब चुप कर यार, अब तो लगता है मम्मी जी और चंदू के लिए चेन लेना ही पड़ेगा। हाँ तो खरीद के दे दो भाई। अबे यार पप्पू, मेरे पास तो सिर्फ एक ही चेन के पैसे, बाकी का क्या तेरा ससुर देगा? खबरदार भाई, जो मेरे ससुर से तुमने दहेज मांगा, दहेज मांगना बहुत गलत बात है। अबे चुप कर यार पप्पू, जल्दी से कोई उपाय बता, क्योंकि अगर मैं पिटाना तो मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है भाई सुनो, ओके। पहले ये गिफ्ट जाके चंदू के रूम में रख देता हूँ और फिर ये गिफ्ट मम्मी जी को दे देता हूँ। इससे दोनों औरतें कंप्लेन नहीं करेंगी। ये बात। इसको पहले जेब में रख दूँ। चंदू पुत्तर। मम्मी। क्या छुपा रहे? वो मम्मी जी, मैं थोड़ी देर पहले मैंने बहुत खा लिया था ना, इसलिए बहुत ज्यादा बाहर आ गया। और मैं पेट की बात नहीं कर रही हूँ, तेरे हाथ की बात कर रही हूँ, उसमें क्या है? हाथ में रेखा है मम्मी जी। अच्छा, तो तेरी इन रेखाओं में लिखा है कि आज तेरी मम्मी जी तेरी पिटाई करेंगी, दिखा। नहीं दिखा सकता ना मम्मी जी, क्योंकि इसमें आपके लिए सरप्राइज है। आपको बहुत बढ़िया पहन के देखिए ना। फिर भी एक बच गया चंदू के लिए। नहीं कबर्ड में नहीं रखता, वहां टेबल पे रख देता हूं, ताकि चंदू जैसे ही रूम के अंदर आए उसे सबसे पहले यही दिखे, उससे उसे लगेगा कि मैंने उससे पहले गिफ्ट दिया है। वाह नंदू, तो कितना स्मार्ट है।
मालनी, मैं तुझे क्या बताऊं, तू यकीन ही नहीं करेगी। मैंने अपने बेटे से गोल्ड चेन मांगी, उसने झट से लाकर दे दी। आए, इतना प्यार करता है मेरा बेटा मुझसे, हैं? मैं ना उससे बाद में बात करती हूँ। कोई आया है जिसे मुझे कुछ दिखाना है, ठीक है? ओके बाय। यू गॉट इट। ए बहू, रुक जरा। मम्मी जी, मम्मी जी, ये देख, ये मेरा बेटा मेरे लिए सोने की चेन लाया है। कैसी है? बहुत अच्छी है। एक मिनट, मेरे लिए लाया सर? ये लो। मेरे लिए? सुन, मैंने तुझे कहा था ना पुत्र कि मेरा बेटा मुझे बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो तो दिख ही रहा है। दिख रहा है तो खड़ी क्यों है? अब जा। ओ देखें जरा भाई के समय कितना है दम। अरे चंदू मेरी बात तो सुनो। बस बहुत हुआ नंदू, अब मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुमने अपनी माँ के लिए गिफ्ट लिया ना, उससे साफ क्लियर हो गया कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। जाओ अब ना अपनी मम्मी जी की गोदी में ही सोना, निकल जाओ इस कमरे से। चंदू मेरी बात तो सुनो, एक सेकंड। धन्टन, देखो मैं तुम्हारे लिए भी गोल्ड चेन लेकर आया हूँ। ये तो बहुत प्यारा है। बिल्कुल हमारे प्यार की तरह। सॉरी नंदू, मैंने तुम पे शक किया। अरे कोई बात नहीं चंदू। इसका मतलब है तू इसके लिए भी गोल्ड चेन लाया है? मम्मी जी मैं आपके लिए भी गोल्ड चेन लाया हूँ और चंदू के लिए भी गोल्ड चेन लाया। इसका मतलब ये कि मैं आप दोनों से बराबर प्यार करता हूँ। प्लीज आप अब इसमें कुछ उल्टा सीधा मत समझिए। नहीं नहीं पुत्र, मैंने क्या उल्टा समझना है। लो जी सबसे पहले तूने गोल्ड चेन मुझे दी, इसका मतलब है तू सबसे ज्यादा मुझे प्यार करता है ना? शाबाश पुत्र। नंदू तुमने गोल्ड की चेन सबसे पहले मम्मी जी को क्यों दी? डोरबेल बज रही है, मैं आता हूँ। लेकिन चेन अच्छी है। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। नमन वर्मा का घर यही है? हाँ बोलिए क्या काम है? कल आपने पालिका बाजार वाले मेहता ज्वेलर से दो चेन्स खरीदी? जी हाँ मैंने खरीदी है। आपको वो चेन्स मुझे वापस देनी है। क्यों वापस करें? मेरा बेटा मेरे लिए गिफ्ट लाया है, वो भी सबसे पहले, क्यों वापस करें? हाँ हाँ, और मैंने पैसे भी दिए हैं चेन के। पैसे दिए थे तो बिल दिखाइए। बिल तो नहीं है मेरे पास, क्योंकि दुकान वाला कह रहा था कि अगर मैं बिना बिल के चेन लूंगा तो एक चेन के साथ दूसरी चेन फ्री देगा। मैंने नहीं लिया। आप जानते हैं ना बिना बिल के कोई भी सामान खरीदना कानूनन जुर्म है। वो ये सेक्टर साहब बात क्या है? बात ये है कि इन्होंने जिस दुकान से वो चेन्स खरीदी हैं वो दुकान वाला फ्रॉड है और वो चेन्स चोरी की। पापा जी आपको मेरे साथ थाने चलना होगा। सिंघम भाई मुझे पता था एक ना एक दिन तुम्हारी हरकत होगी, वैसे इस घर में पुलिस आएगी। अबे चुप कर, तेरी वजह से पुलिस आई है घर पर। मेरी वजह से? कि क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? देखो मैं केवल शक्ल से ऐसा लगता हूँ लेकिन मैंने कोई क्राइम नहीं किया। हाँ जी। अबे यार तुझे ये लोग पकड़ने नहीं आए, तूने जिस दुकान वाले के पास भेजा था ना मुझे चेन लेने के लिए वो दुकान वाला फ्रॉड निकला, तेरे चक्कर में मैं फंस गया यार। सॉरी भाई गलती से मिस्टेक हो गई। आप ले लीजिए इंस्पेक्टर साहब, हमें इस गोल्ड चेन की कोई जरूरत नहीं है। ये लीजिए। मुझे आपके भी चेन चाहिए। हाय रे बा, मैं निकाल देती हूँ मम्मी जी। बदतमीज।
दे दो। इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों को छोड़ दीजिए, इनका कोई कसूर नहीं है। हाँ जी, ये जो भी कर रहे थे हमारी वजह से ही कर रहे थे। हाँ ठीक है, पर फॉर्मेलिटीज के लिए इन्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। ये तो साबित हो गया ना कि मेरा बेटा सबसे पहले गिफ्ट मुझे ही देता है। हाय जी। नहीं मम्मी जी, वो पहले गिफ्ट मेरे लिए लाया था, लेकिन मैं ऑफिस गई हुई थी ना, इसीलिए पहले मुझे मिल नहीं पाया। आए हाय, बहाना अच्छा दिल को समझाने का। मैं बहाना बना रही हूँ? हाँ। नंदू, आज तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि तुम किससे ज्यादा प्यार करते हो। हाँ मेरी लाल, तू बिना डरे मेरा नाम ले दे, तारावंती पटियाले वाली लोगों की आंख ले, बता दे। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे थाने ले जाने वाले थे ना, तो मुंह क्या देख रहे हैं, ले जाइए। हाँ इंस्पेक्टर साहब, बता तो सही। मुझे भी ले चलिए। पिज्जा मिलेगा? हाँ चलो चलिए ना। चलिए चलिए। नंदू मेरे लाल, बता के तो जाता। हाय 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 खामोशिया।